गरीबों को मुफ्त इलाज देने का वादा करने वाली मोदी और योगी सरकार गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन मुरादाबाद में सरकार की योजनाओं को सरकारी डॉक्टर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है मुरादाबाद में, जहां जिला अस्पताल में इलाज कराने आई गरीब महिला से इलाज के नाम पर रिश्वत मांगी गई। गरीब महिला ने अपनी दास्तां CMS के सामने रखी और लिखित शिकायत दी। एक्शन लेते हुए CMS ने जाँच कराने के आदेश दिए हैं। मामला मुरादाबाद जनपद के जिला अस्पताल का है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची। अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो महिला से आंखों के इलाज के नाम पर 3,000 रुपये मांगे गए, जिसका बुजुर्ग महिला ने विरोध किया तो उसे बिना इलाज के ही कमरे से बाहर निकाल दिया गया। क्या हुआ था ये? कुछ नहीं, हमें आंखें दिखाने आए थे, चेकअप करवाने आए थे। हमने कहा चल नंबर बड़ा वाला है, चश्मा बड़ा दिखा लेते हैं, पास की नजर आई, दूर की भी है क्या? रह गए हमारी पास की थी, हमने कहा दूर की भी, बोले दूर की भी आई है। हमने वो चेक करवाने आए थे, बोले देख के जाके बहुत दिन का प्रेशर होना है आपका, तो हमने कहा कर दीजिए। बोले 2,500 खर्चा आया, 2,500 कहाँ से लाएंगे, हमारी मजबूरी हमने बताई अपने सारी, हमारा कोई सहारा नहीं चला गया, किसके सहारे कहाँ से लाएंगे पैसा। बोले नहीं तुम कब आओगी, हमें चाय पानी के पैसे देना है, उसके देने चाय पानी के पैसे के बाद आपने 2,500 बताया तो 2,000 दे दो, कहाँ से 2,000 लाएंगे बताओ, हमारी मजबूरी है, जब हमारे पैसे नहीं, 2,500 कहाँ से लाएंगे बताओ। किसने मांगे थे? जी डॉक्टर जी 8 नंबर वाले। तो आपने शिकायत की है? नहीं, फिर हमने पता नीचे कहा, मैं BP चेक करवाया, सुगर चेक करवाई, जहाँ पर नीचे होती है उनसे हमने ये बात कही है, तो बोले कोई नहीं आप ऊपर चले जाओ उनसे बात कर लो, मैडम बैठती हैं, उन्हें भेजा गया। तो उन्होंने कहा, बोले आप एप्लीकेशन लिखो, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, हमने आधी लिखी, तभी एक डॉक्टर वो आए यहाँ पर, वो कह रहे मेरे साथ चलो आप काम है, हम करवाते हैं आपका। तो मैं करूँ फिर बंदा पेन देते हैं, बंदा मैडम को पेन लेने गया तो मैडम बोली पैम आप पेन की लिखी नहीं एप्लीकेशन, मैं कहा नहीं, वो कह रहे हमारे साथ चलो, कह रहे कौन है बुलाओ उन्हें, और वो नाम लिखा चलेगा यहाँ से। आप मैडम क्या बोले, आप लिख मुझे दे दो, आप 3 नंबर चले जाओ लिख के दे दो। उन्होंने तो आपने पैसे मांगने की शिकायत की है क्या? नहीं, वो लिखा तो बहुत कहा था मैंने, पहले शिकायत तो करी है ना मैंने, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में आके 2,500 रुपये देंगे हम तो क्या फायदा हमारा बताओ। परेशान महिला ने अपनी शिकायत CMS से की, जिस पर CMS संगीता गुप्ता ने तुरंत एक्शन लेते हुए जाँच के आदेश दिए और महिला को इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजा। CMS का कहना है कि इस मामले की जाँच कराई जा रही है, महिला ने लिखित शिकायत की है, दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। एक महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि मुझसे आँख के ऑपरेशन के लिए 2,500 रुपये की मांग की गई है, तो जबकि सरकारी अस्पताल में सब कुछ निशुल्क है, तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे को पास शिकायत पत्र लिख के दो तो मैं इसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करूँ। अब बता रही थी कि वो 5 नंबर कमरे में गई थी, अभी मैंने शिकायत पढ़ नहीं पाई हूँ पूरी, तो मैं पढ़ के उसका जो भी कमरे में होंगे और उससे पूछ के उसको नाम वगैरह लिख के गई है, उसको बुला के उसका कार्रवाई कर। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।